देहरादून में बिगड़ती यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत देहरादून पुलिस ने शहर के लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए रैली के माध्यम से अभियान की शुरुआत की है। 11 से लेकर 17 तारीख के बीच पुलिस प्रशासन यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त रुख भी अपनाता नजर आएगा। देहरादून के SSP दिलीप सिंह कौर ने बताया कि कुछ लोग यातायात के नियमों का ठीक से पालन नहीं करते, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी तो होती ही है। कई बार दुर्घटनाओं की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस अभियान की शुरुआत पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये रोड सेफ्टी को लेकर के एक बृहद अभियान चलाया जा रहा है और ये भारत सरकार के जो भूतल परिवहन मंत्रालय उनके निर्देशन में पूरे भारतवर्ष में ये अभियान चल रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं और अभी रैली निकलेगी, एक मोटरसाइकिल रैली और हमारे अन्य वाहन भी हैं। इस दौरान हम लोग क्या करेंगे कि एक जो भी वाहन चालक हैं उनको वाहन चलाने में क्या क्या सावधानियाँ बरती जानी है उसके बारे में संवेदनशील किया जाएगा।